आज क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर फोर थीटा प्लस कॉस टू द पावर फोर थीटा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इस पर्टिकुलर थिंग की वैल्यू चाहिए, तो मुझे साइन थीटा पता होना चाहिए, कॉस थीटा पता होना चाहिए। नहीं पता है तो एटलीस्ट मुझे थीटा पता होना चाहिए ताकि मैं वैल्यू रखूं और आंसर ले आऊं। तो मुझे क्या दिया हुआ है, जो दिया है, गिवन है, उससे मैं शुरू करती हूँ। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्या है सॉल्यूशन में, गिवन क्या चीज है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो। कॉस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। साइन और साइन रहे तब कंपैरिजन हो सकता है, कॉस कॉस रहे तब कंपैरिजन होता है। यहां पे नहीं है तो मुझे बनाना पड़ेगा। कॉस थीटा क्या हो सकता है, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। आप ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें आइडेंटिटी हमने क्यों यूज नहीं की, फालतू वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को ही यूज किया है। यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है? यहाँ पे आप फॉर्मूला मेंशन कर दीजिए। अब एलएचएस आरएचएस कंपेरिजन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। साइन साइन हट गया है, इसका थीटा आया और इसका भी एंगल आया विच इज 90 माइनस थीटा। ये थीटा यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू 90, ठीक है? थीटा प्लस थीटा इज 2 थीटा, 90, 2 से ये कैंसिल होगा तो थीटा की वैल्यू हमको मिल जाएगी 45 डिग्री, ठीक है? डिग्री में हमें क्वेश्चन निकालना है, अपन को डिग्री ही है तो हमने ले लिया 45 डिग्री। नाउ अब हमें क्या वो पूछ रहा है, हमें थीटा की वैल्यू उसने नहीं बोली है, हमें इसमें कहीं भी फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा उसने नहीं बोला है, हमें सिर्फ गिवन था, या तो हम साइन निकाले कॉस निकाले इसे पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने वैल्यू थीटा की निकाली है। हमें निकालने क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर फोर थीटा प्लस कॉस टू द पावर फोर थीटा। हम इसे ही लिखते हैं, साइन टू द पावर फोर थीटा प्लस कॉस टू द पावर फोर थीटा, ठीक है? कुछ नहीं है, साइन थीटा, साइन 45 ले लिया मैंने, थीटा की जगह 45, इसकी पावर 4 प्लस थीटा की जगह 45, इसकी पावर 4। अब साइन 45 और कॉस 45 में की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, पावर 4 हुआ। कॉस 45 की वैल्यू भी सेम होती है, 1/√2 होती है, पावर 4 हुआ। आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2 इक्वल्स टू कॉस 45 डिग्री, दोनों की वैल्यू सेम होती है। अब अगर 1/√2 का स्क्वायर होता तो क्या होता, वो 2 हो जाता, पर उसका भी स्क्वायर है, मींस ये 4 क्या है, स्क्वायर और होल स्क्वायर, तो एक बार ये रूट कटेगा 1/2 आएगा और फिर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए यहां पर आ जाएगा 1/4, ठीक है? यहाँ पे भी आ जाएगा 1/4। इसका एलसीएम हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1+1 ऊपर आ जाएगा, इसका भी 1, इसका भी 1, ये 2/4 आ जाएगा, ठीक है? और कैंसिलेशन के बाद ये हाफ आ जाएगा, विच इज अवर एंसर। अच्छा, यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि 1/√2 की पावर 4 ये कैसे सॉल्व हुआ है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? अब ये हमारा आंसर आ गया, किसका आंसर आया, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, इसकी हमको वैल्यू मिल गई है हाफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल्स टू हाफ, वेयर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। आपने ये निकाला है, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये हाफ कैसे आया है, ठीक है? यहाँ पे आपका ये आ गया है आंसर। Thank you.